मोती बेराना चौक मा आव्या अंबेमा। तो हे गाइस, हम लोग आ गए हैं अब दरभंगा कॉलोनी, यहाँ पे दुर्गा पूजा में। तो मैं आपको दिखाती हूँ दरभंगा का दुर्गा पूजा। जो कि ये वाली दुर्गा पूजा हम लोग के घर से थोड़ा सा दूर है, बाकी तो बहुत ज़्यादा दूर है, बट टैगोर टाउन से दरभंगा थोड़ा सा दूर पड़ता है। तो ये वाला हम लोग के घर से पास है, मतलब आई मीन। जो कि मैंने पहले बताया, वहाँ भी बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। नहीं, वो गेट से एंट्री किया, इधर चलो ना, अन्नी ऐसे चलना, वो गेट से एंट्री किया था हमने। आराम से, आराम से। आ जाओ इधर 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 इधर। हाँ अशोक नगर का दुर्गा पूजा, जो कि दरभंगा हम लोग एंट्री नहीं किए थे, बहुत भीड़ थी। तो मैं आप तो गाइस, दरभंगा में मैंने बताया ना, बहुत भीड़ थी, हम लोग एंट्री नहीं करें, बाहर से वापस आ गए थे, इसलिए मैं वहाँ की आपको मूर्ति नहीं दिखा पाई। बट हम आए अशोक नगर, यहाँ का मैं आपको दिखाती हूँ। और देखिए अभी बनाओ भैया, अभी ये देखिए गाइस, ये लोग चल चल के इतना थक गए हैं कि ये लोग अशोक नगर में आराम से बैठे रेस्ट कर रहे हैं। कैसी वहाँ तो देखिए, ये कंडील बनाए इधर चाची है ना। हाँ कर देंगे तो फिर वही तो ज्यादा अच्छा है।
हाय गाइस, अब ये आस्था बहुत ज़्यादा थक गई हैं, तो अब मैं रिकॉर्ड करता हूँ। ये हम लोग लूकरगंज में आ गए हैं, फुल्दाबाद स्थित लूकरगंज में। देखिए यहाँ सबसे अच्छा है। ये अब हम लोग भी अंदर चलते हैं पंडाल के अंदर, ये इनका पंडाल दिखाते हैं। लूकरगंज की सबसे अच्छी बात ये है, यहाँ पे स्पेस बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे आपको पंडाल, मूर्ति सब कुछ बहुत अच्छी मिलती है। ऐसे हाथ जोड़ के देखा कैसे लगा? आप लोगों को हम बाहर ले चलते हैं, यहाँ पे दिखाते हैं खाने पीने के स्टॉल और झूले वगैरह यहाँ पे अच्छी मात्रा में लगते हैं। यहाँ पे बच्चे बड़े सब अच्छा एंजॉय कर लेते हैं। आओ ये देखिए शिवांश अब झूला झूल रहे हैं, कितने एक्टिव हैं। देखिए हैंडल वैंडल अच्छे से मोड़ते हैं। हैंडल चला रहे हैं,
गाइस हम लोग कुछ खा लेते हैं जो कि 2 घंटे से घर से निकले हैं, तो चलते हैं अंदर कुछ खा के निकलते हैं, डिनर कर लेते हैं बिकॉज रात हो गई है। तो एक बोतल ठंडे पानी ले लेने ले गए हैं। हाँ जी बताओ। चल अभी नहीं चलते। क्या चल क्या चाहिए खिला दो भैया। हाँ जी हाँ तो वही कर लो। तो हे गाइस हम लोग आए हैं अल्लाहपुर वाले दुर्गा पूजा और ये लोग मेरे को छोड़ के थोड़ा आगे चले गए, मैं थोड़ा स्लो हो गई क्यों बिकॉज मैं बहुत थक गई हूँ। ये लोग काफ़ी आगे चले गए मुझे छोड़कर। आपने देखा ये लोगों को किसी और को बुलाया? अरे नहीं नहीं तो गाइस ये है टैगोर टाउन का दुर्गा पूजा। काफी जगह की होता नहीं जाएगा ठीक है। बच्चे क्या करें बच्चे बच्चे तो इसे देखते नहीं थोड़े से तुरंत ही निकल लिया जाएगा ठीक है। चाय बना दीजिए पकौड़ी बना दीजिए। बना देंगे आप बोल देना वो सच बना दीजिए। अरे सुन दही यार इतना कहाँ गया वो तो अलग ही उसका। तो गाइस मैं बाहर से पंडाल दिखा देती हूँ कर्नलगंज इंटर कॉलेज टैगोर टाउन का। तो ये देखिए जो जो कि प्यारा है वैसे बहुत प्यारा है। और अंकित बैठ चुके हैं कार में और मैं तो बिल्कुल ही थक गई हूँ। तो गाइस ये कर्नलगंज का दुर्गा पूजा है टैगोर टाउन और मैं आपको इसमें ले चलती हूँ अंदर और जो कि मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ हाँ
मतलब इतना बच गया क्योंकि उसको भूख लगी थी और टाइम बता कौन रहा है। जैसे ही सुना किसने पहले ने जो सुन नहीं पाता शंकर जी पर आपका सब अचरज बहरा बता रहा हम बताई दे दूंगा छह बजा छे अच्छे अच्छा अच्छा क्यों क्योंकि जब शिव जी की बारात द्वार चार लग रहा था तो शाम के छह बज रहे थे। कहा जाता है कि सूर्यास्त के समय कोई कार्य नहीं करना चाहिए लेकिन शंकर जी की बारात उसी समय अंधे के हाथ पकड़े मैंने फिर भी नहीं देखा इसके बाद एक भजन रखा था। उस भजन में आपको मैं अपने पास 1100 रुपए का पुरस्कार था। तीन प्रश्न रहेंगे उत्तर दे देंगे तुरंत 1100 रुपए जिसने भी दिया आप देंगे। अच्छा अच्छा भैया दे जो उत्तर दे देगा तुरंत उसको पुरस्कार और नहीं दिया उत्तर तो